माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स का एक सिद्धांत, एक उदाहरण है। वो कहते हैं, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो वो आपकी गलती नहीं, पर आप गरीबी में मरते हैं तो वो आपकी गलती है। तो देखो, ये बात तो सही है कि कोई भी भगवान के पास से पैसा लेकर नहीं आता, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। फिर भी ऐसा क्या चमत्कार होता है कि कुछ लोग अपनी मर्जी की लाइफ जीते हैं और कुछ लोग की पूरी जिंदगी स्ट्रगल में ही बीत जाती है। वेल, ना तो ऐसा कोई चमत्कार है, ना तो इन लोगों के पास कोई सुपरनेशन पावर है। ये सारा खेल थिंकिंग एंड माइंडसेट का है। इन लोगों को ये पता होता है कि इनकी अभी की हार्ड वर्क उनको आगे चल के कितना अच्छा बेनिफिट देती है, और ये लोग कभी शुरुआत में लग्जरीज नहीं खरीदते। इनका सारा फोकस यही होता है कि किसी तरह अपने पास बचा हुआ पैसा काम पे लगाए, ताकि आगे चल के उनका वो पैसा उनके लिए काम करे, यानी उसको पैसा प्रॉफिट ला के दे। इसके लिए वो जितना हो सके उतना एसेट क्रिएट करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि एक टाइम पे आकर वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब वो अगर काम नहीं भी कर पा रहे होते तो उसकी जो एसेट है उससे उनकी इनकम इतनी होती रहती है कि वो अपनी तो क्या, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी चला सकते हैं। लेकिन दूसरी थिंकिंग रखने वाले अपनी लाइफ में कभी बदलाव नहीं चाहते, जैसा सब कुछ चल रहा है बस वैसा ही चलता रहे। और इनका भी एक फेमस कोट है जो आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इज कांट बाय हैप्पीनेस। और ये लोग इसी सोच से अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। अब हो सकता है ये सब लोग ये सही इरादे से कर रहे हो, बट आज की टाइम में मनी हमारा 80% हिस्सा बन गया है। और जब मैं 80% कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, पर एक अमीर इंसान बनने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि पैसे को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आगे चल के आपका यही पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा के दे। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे 10 एसेट बता रहा हूँ जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे तरीके हैं जो पेड होंगे और कुछ ऐसे तरीके हैं जो फ्री होने वाले हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी एसेट डिसाइड कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी जानकारी छूटे नहीं, और मैं चाहता हूँ कि लोग जानकारी लेके वो आगे बढ़े और अपने जीवन में कुछ कर पाए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, रॉ मटेरियल एंड कमोडिटीज। कॉमोडिटीज में अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री उठा के देखें तो साल 2009 में उसकी कीमत 14,500 थी, और आज 2023 में उसकी कीमत 57,000 हो चुकी है, यानी 14 साल में 350 गुना प्रॉफिट। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये कोई ऐसा एसेट नहीं जो 25 दिन में आपको पैसा डबल करके दे दे, बट लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को मैक्सिमाइज करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन आप यहाँ पे सच में ही प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो उतने ही पैसे यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिन पैसों की आपको लंबे टाइम तक जरूरत नहीं हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके भी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। नंबर 9, बिजनेस। दुनिया में 90%, हाँ दुनिया में 90% जितने भी मिलेनियर है वो रेगुलर मिलेनियर बने हैं, तो वो अपने सिर्फ बिजनेस की वजह से। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आपका ये बिजनेस अगर चल पड़ा तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ा एसेट बन सकता है। अब अगर यहाँ आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तब भी आपके वर्कर आपके लिए काम कर रहे होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके बिजनेस में 100% श्योरिटी है कि वो चल पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस आपका है तो इसके बॉस भी आप है। आप चाहे तो अपना बिजनेस को एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, और आपकी ही बदौलत आपके बिजनेस का दिवालिया भी निकल सकता है। तो जिस भी तरीके का बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं उसके बारे में पूरा रिसर्च कर ले। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक बिजनेस खोल सके, तो आप ऑलरेडी चल रहे एक बिजनेस में अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, जो आता है नंबर 8 पे। नंबर 8 है स्टॉक मार्केट। अब कुछ लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गेमलिंग है, जुआ है, यहाँ पे पैसा फंसाना यानी अपने पैसे को दाव पे लगाने जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, गेमलिंग ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग करते हैं। बट अगर आप अपने लॉन्ग टर्म को लेके चले तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम कंपनियाँ प्रॉफिट ही लाके देंगी। आपको कोई भी कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको कंपनी के अच्छी कंपनी के स्टॉक खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। और लॉन्ग टर्म में हमेशा कंपनियाँ अच्छा ही प्रॉफिट लाके देती है और अच्छा मुनाफा होता है। अब यहाँ पे इसका ये मतलब भी नहीं कि आप चाहे उस कंपनी का स्टॉक खरीद ले, यहाँ पे बात पैसा इन्वेस्ट करने की आती है। तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नंबर 7, इक्विपमेंट एंड मशीनरीज। गाइज, अमीर बनने की जर्नी में पैसा कमाना इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है उस पैसे को कमाने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, इसे आप अपने खुद के लिए लोगे तो आपको ये बिल्कुल पैसा कमा के नहीं देगी, उल्टा खर्च बढ़ाएगी। मगर आप उसे एक टैक्सी के फॉर्म में लेके उसको रेंट पे दे रहे हैं तो हर दिन आपको घर बैठे पैसा आता रहेगा। ठीक ऐसे ही एक कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर आप इसको एक इंटरटेनमेंट या गेमिंग के लिए ले रहे हो तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ी लायबिलिटी बन सकता है।
बट अगर आप इसको कोई वेबसाइट या अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हो तो यस, अब ये यहाँ पे आपका एक एसेट है। वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे तब बार्बर की शॉप पे बाल कटवाने गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बार्बर की शॉप पे काफी भीड़ लगी हुई है, सभी लोग बहुत ही देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने $25 की पेन बॉल मशीन खरीद के उसको बार्बर की शॉप पे सेट कर दी। अब ऐसा करने से किसी को भी अपने बाल कटवाने के लिए वहां खड़ा रह के बोर होना नहीं पड़ रहा था और अपने बोरिंग टाइम को एंजॉय कर रहे थे, जिससे शॉप की भी भीड़ बढ़ी और वॉरेन बफेट को भी वहां से रोज प्रॉफिट आता रहा। तो इक्विपमेंट और मशीनरी जैसे एसेट से आप घर बैठे रोज बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 6 पे जो आता है गाइज, वो है अपना कैश। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये लगे कि कैश आखिर एसेट कैसे हो सकता है, कैश के थ्रू तो हम एसेट बनाते हैं। लेकिन गाइज, कैश हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है जिनकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके एक एसेट बना लिया है और अभी आपके पास कोई पैसा नहीं है, और इमीडिएटली आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, तो वहाँ पे आकर आप पछताओगे। तो थोड़ा इमरजेंसी के लिए आपके पास कैश जरूर होना चाहिए। नंबर 5, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमारा हर काम बहुत ही आसान कर दिया है। जिस काम को करने के लिए हमें घंटों लग जाते थे, वही काम आज टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनटों में हो जाता है। पहले के टाइम में हम जब फॉरेन कंट्री में रह रहे लोगों से बात करते थे तो उस वक्त कॉल का चार्ज इतना लगता था जितना यहाँ पे एक वीक पर भी नहीं लगता था, पर इस चार्ज को जीरो पे ला दिया व्हाट्सएप और IMO जैसे ऐप ने, जो कि एक टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के थ्रू ही क्रिएट की गई है। और अब तो आप जानते ही है ये दोनों ऐप कितनी पॉपुलर हो गई है। तो इसी तरह आप भी टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई ऐसी यूनिक ऐप बना सकते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करती हो, जो फेमस होने के बाद आपको भी लाइफ टाइम पैसा बना के दे। नंबर 4, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुद YouTube पर काम कर रहे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि YouTube की कॉपीराइट क्लेम नाम की एक गाइडलाइन है, जिसके तहत आप किसी भी और की वीडियो या म्यूजिक अपने खुद की वीडियो में यूज करते हैं तो उसमें आपके वीडियो के ऊपर या म्यूजिक के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। इससे वीडियो पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, पर उस वीडियो पर जितना भी रेवेन्यू है वो सारा रेवेन्यू उसको चला जाता है जिसका वीडियो या म्यूजिक आपने यूज किया है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास उस कॉन्टेंट का कॉपीराइट है। ठीक इसी तरह आपके लिए भी कॉपीराइट एक इफेक्टिव एसेट बन सकता है, और ये इस तरह काम करता है। मान लीजिए आपने कोई सॉन्ग या वीडियो बनाई है, उसका कॉपीराइट आपके पास आ गया, अब जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं तो वो फेमस हो जाता है, तो बाद में जो भी आपके कंटेंट को रीयूज करता है तो उससे आप कॉपीराइट क्लेम के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। अब इस एसेट की खास बात तो यह है कि ना आपको वहां पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसे खरीदने की, बट इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आपको ब्लॉग या यूट्यूब पे एक चैनल बनाना होगा और उस पे एक नीच डिसाइड करके रेगुलर काम करना होगा, और जैसे ही आपकी ऑडियंस वहाँ पे इंक्रीज होने लगेगी तो आप किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ पे एफिलिएट कर सकते हैं। जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उनमें से कुछ परसेंटेज आपको भी दिया जाएगा, एंड क्योंकि आपकी ब्लॉग या वीडियो हमेशा वहीं पर पब्लिश रहने वाली है, फ्यूचर में जितने भी लोग वो खरीदते रहेंगे सभी की कमीशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। नंबर 2, पीपल। आज जिस भी फेमस पर्सनालिटी की हम बात कर ले, वो पॉलिटिशियन हो, एक एक्टर हो, या सिंगर हो, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ये लोग आखिर इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उनके पास वो लोग हैं जो कि उन्हें पसंद करते हैं। एलोन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी आज इतना ज्यादा फेमस हो गई, और बड़ी बड़ी कंपनियां इसीलिए सेलिब्रिटी के थ्रू एडवर्टाइज करवाती है ताकि उन लोगों को वो प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बन जाए जो उस सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं, और उसके बदले में वो सेलिब्रिटी उस कंपनी से लाखों करोड़ों रुपया चार्ज कर लेते हैं। नंबर 1 पर मैंने जो एसेट रखा है गाइस, उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। नंबर 1 पे है वीडियो। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गूगल पूरी दुनिया में नंबर 1 सर्च इंजन है, बट क्या आप ये बात जानते हैं कि गूगल के बाद नंबर 2 पे यूट्यूब आता है, जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीडियो को कितना ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील के जरिए वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि वीडियो कंटेंट एक ऐसी चीज है जो एक बार मेहनत करने से हमेशा ही उसका रिटर्न देती है। फॉर एग्जाम्पल,
आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब इस वीडियो बनाने में मैंने सिर्फ एक बार ही मेहनत की है और इसको अपलोड कर दिया है और ये वीडियो यहाँ पे हमेशा ही मौजूद रहने वाली है और जितना ज्यादा इस पे व्यू आते रहेंगे उतना ही मुझको रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है एसेट क्रिएट करने का। ये थे गाइज वो 10 एसेट जहाँ से आप अपना पैसा कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है।